अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज बन रही थी जी फिश, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जी फिश को लिया था, उसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लिया था। यहाँ पे फिर हमने ऑयल लिया था जो अच्छा खासा गर्म हो गया, तो उसके बाद हमने इसके अंदर फिश ऐड कर दी थी। ठंडे ऑयल में फिश ऐड नहीं करनी, नहीं तो वो चिपक जाएगी। और हमने इसके अंदर सॉल्ट भी नहीं डाला था, क्योंकि जब बाहर से आती है तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट लगा हुआ होता है, तो उसको जब वॉश भी करने के बाद भी जो है ना उसके अंदर नमक जो है अंदर तक होता है, तो इसलिए हमने और कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाया था, कोई भी मसाला नहीं लगाया था। सिंपल जो है ना हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं मसाला फिश, तो उसको पहले कुछ नहीं लगाया जाता, उसको जस्ट सिंपल जो है उसको फ्राई किया जाता है, जो कि हम कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, जब ये गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर हो जाएगा ना, फिर इसको हम लोग निकाल के साइड पे रख देंगे ताकि बाकी भी फिश फ्राई हो जाए। उसके बाद जो है हम इसका मसाला बनाएंगे सेपरेट, उसके बाद हम फिश को ऐड करेंगे। ये बहुत मजे की बनती है, हम तो इस तरह से बनाते रहते हैं। फ्राई वाली भी बनाते हैं जो सिंपल बनती है, तो वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन ये भी बहुत मजे की बनती है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती फिश की, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, काफी सारी जो है वो फ्राई होती जा रही थी, उसको हम साइड पे करते जा रहे थे और पीस जो है ना उसके अंदर ऐड करते जा रहे थे। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं फिश, मसाला फिश बनाते हैं या जस्ट जो फ्राई करके खाते हैं या फिर बेसन वाली बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ये नहीं कि हाफ फ्राई कर ले, तो मतलब वो हमें तो इतनी अच्छी नहीं लगती। हम लोग इसको फुल फ्राई कर लेते हैं और ये जब क्रिस्पी होगी ना तब आपने इसको बाहर निकालना है, तो ये ज्यादा अच्छी बनेगी। और ये हम लोग जिस तरह से बनाते हैं ना, इसमें शोरबा होता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखते, थिक थिक सी रखते हैं ताकि वो जो अच्छी भी लगे और उसमें से स्मेल भी ना आए और बहुत मजे की लगे। ये देखें जी, कुछ जो है ना यहाँ पे फ्राई हो गई थी तो वो हमने साइड पे कर ली थी। देख लें आप लोग, इसका कलर देखें कितना प्यारा आया ना, गोल्डन ब्राउन सा। इसी तरह से जब आया तो आपने इसको निकालना है। शोरबे वाली जो होती है ना, हमने आज तक नहीं बनाई, तो अगर आप लोग बनाते हैं ना तो मुझे बताइएगा कि उसका मतलब किस तरह होता है, मतलब अच्छी लगती है या बस सही होता है। तो ये देखें जी, काफी हद तक जो है ना फ्राई हो चुकी थी हमारी फिश। अच्छा, ये जो आप लोग ब्लैक ब्लैक इसकी स्किन देख रहे हैं ना, कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होता है, तो आपने जब इसको फ्राई करना है ना उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर तब भी नहीं करना, हम लोग क्या करते हैं, जब मम्मा मसाले में डालती है ना इसको, तो ये जरा सॉफ्ट हो जाता है ना, तो मम्मा उसकी स्किन जो है ना आराम से, जो चिमटा होता है ना रोटियों वाला, उससे मम्मा उतार लेती है जो जो उनको थोड़ी सी इरिटेट कर रही होती है ना फिश के ऊपर, तो वो सारी जो है ना स्किन उसकी निकाल देती है। वीडियो भी बना रही थी मैं और साथ साथ जो है ना अनार के मजे भी ले रही थी। तो आप लोग बताएं, आप किस किस को अच्छे लगते हैं, किस किस को अच्छे नहीं लगते। इसका जूस तो बहुत मजे का होता है। इनका एक प्रॉब्लम है बस, इनको छीलना हो ना, मतलब जब छील लेते हैं तो फिंगर्स होती है ना नेल्स की तरफ से इतनी कोई ब्लैक हो जाती है ना, और इतने दिन तक जो है ना वैसी रहती है, तो पता नहीं क्यों होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता। इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। फिश हमारी यहाँ फ्राई हो चुकी थी, हल्का हल्का इसमें नमक होता है और ये बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा इसके ऊपर लीमू डालें, चाट मसाला डालें और इसको सर्व करें किसी भी चटनी के साथ, तो ये बहुत मजे की लगती है। फिश निकालने के बाद उसी ऑयल में जो है ना हम लोगों ने टमाटर डाल दिया था, एक टमाटर डाले। हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना मसाले नहीं डालते इसके अंदर, मम्मा जो है ना मेरी इसी तरह से ही बनाती है, तो एक टमाटर डाला उन्होंने इसके अंदर। छोटा सा जो है ना प्याज लेके उसको भी उन्होंने चॉप करके डाला था। लोग प्रॉपर मसाला तैयार करते हैं जिस तरह से कौरमे का तैयार होता है, बट हम उस तरह से नहीं बनाते। ये देखें जी, ये थोड़ा सा जो है ना इस तरह से प्याज डाल दिया उन्होंने चॉप करके इसके अंदर। इन दोनों चीजों को जो है ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है ताकि अच्छे से है ना बाद में मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। और ये जी फिश की जान, मतलब सर्दियों की जान, हरा लहसुन ये भी इसके अंदर जाएगा, ये भी काफी सारा था तो ये हरा लहसुन हमने डाल दिया था। थोड़ा सा इसके बाद जो है ना पानी ऐड कर देंगे ताकि लहसुन जो है ना वो जल ना जाए, और इसके अंदर जो दूसरा वाला लहसुन होता है ना वो हमने ऐड नहीं करना। पानी इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया था, अब अच्छी तरीके से जो है ना इसको कुक कर लेंगे। कवर करके भी रख सकते हैं ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। जब टमाटर बिल्कुल जो है ना मैश हो जाएंगे इसके अंदर, उसके बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफी जो है बेहतर हो जाएगी। अभी तो थोड़ी लिक्विड ही लग रही है क्योंकि हमने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है, दही भी जाएगा और बाकी जो है मसाले भी जाएंगे। तो आपने फिश जो है ना फिर ट्राई कर लेनी है कि अगर उसके अंदर नमक ज्यादा हो तो फिर तो आप इस मसाले में ऐड मत कीजिएगा, जरूरत हो तो इस मसाले में थोड़ा सा डाल दीजिएगा। हमें थोड़ा सा फील हो रहा था कि ना उसमें कम है, तो हमने इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया था इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च, अच्छा दड़ा मिर्च होना तो वो भी थोड़ी सी डाल दीजिएगा, हमारे पास नहीं थी तो हमने सिर्फ ये पाउडर वाली डाल दी थी। नमक भी हो गया, हल्दी भी थोड़ी सी हम लोगों ने ऐड कर दी थी, लाल मिर्च भी हो गई, उसके बाद हरी मिर्चें भी ऐड नहीं की। उसके अलावा अब जो मार्केट में बहुत सारे मसाले आ चुके हैं फिश वाले, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, हम लोग ऐड नहीं करते क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। इस तरह से भी बहुत अच्छी बनती है और स्मेल नहीं आती। कुछ लोग स्मेल जो है ना वो खत्म करने के लिए वो मसाला डाल देते हैं, लेकिन मम्मा नहीं डालती हैं। उसके बाद इसके अंदर अगर आप लोग ड्राई कोरिएंडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, बल्कि वो तो एंड पे डालें तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। उसके बाद टमाटर जो है वो काफी हद तक जो है मैश हो चुके थे, फिर इसके अंदर पानी डाला था। इसको अच्छी तरह से घोटा छोटा लगाएंगे, इसकी फेंटी शेंटी लगा के टमाटर को हमने फुली जो है मैश कर देना है। A few moments later.
मसाला अच्छी तरह से यहाँ पे रेडी हो चुका था, टमाटर भी मैश हो गए थे। इसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया दही। दही को जो है ना थोड़ा सा लस्सी फॉर्म में बना के ना आपने थोड़ा सा पानी डालना है, उसको हल्का सा हिला के इस तरह से डालना है। अगर आप इसी तरह से थिक जो होता है ना दही वो ऐड कर देंगे तो उसके लम्स जो है ना वो पूरे उसमें फिरते रहेंगे, तो फिर उसको आपको मैश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसको पहले फेंट लें पानी वानी डाल के, उसके बाद ऐड करें तो वो जल्दी से जो है ना तैयार हो जाएगा। उसके बाद हरी मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी इसके अंदर। अब जो है ना दो तीन इसको या एक दो बॉयल दे के फिर हम इसके अंदर फिश ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम यहाँ पे कर दिया था ताकि दही जो है अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो जाए। और ऑयल चेक करें आप कितना थोड़ा डाला है ना हम लोगों ने, और ये कितनी हेल्दी फिश बन रही है। फिश ऐसे ही बनती है, चाहे आप वो फ्राई करके बना लें यहाँ पे इस तरह मसाले वाली बना लें, क्योंकि अगर ऑयल वगैरह कम रखेंगे तो फिर मसाला कैसे बनेगा और फिर वो थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो कैसे बनेगी, तो फिर वो खाई भी नहीं जाती, बहुत ड्राई हो जाती है फिश, और उस फिश को तो गले से उतारना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ यही है कि साथ चटनियाँ वगैरह हो, कोई सॉस वगैरह हो तो फिर भी खाई जा सकती है, लेकिन ये मसाले वाली में तो वैसे ही इतना सारा अच्छा सा मसाला बन जाता है ना कि जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चटनी या किसी रायते वगैरह की। बॉयल तो यहाँ पे आ चुका था, अब इसके अंदर फिश ऐड कर देंगे आराम आराम से। और इसको आप जो हिलाते हुए जो है ना ख्याल रखना है, ये नहीं कि फिश जी सही से घुमाएं आप चम्मच और फिश जो है ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो वो भी नहीं करना, नहीं तो कांटे जो है ना पूरे मसाले में फैल जाएंगे और वो खाना जो है ना महाल हो जाएगी फिश। तो इस तरह आराम आराम से आपने इसको हिलाते जाना है। अगर दूसरे वाला ले लेना स्पून तो वो भी मम्मा शायद चेंज भी करेंगी स्पून, तो उससे आपने आराम से इसके अंदर डालते जाना है। फ्लेम जो है थोड़ा सा हाई ही रखना है, मतलब मीडियम से रखना है, स्लो नहीं कर देना वरना फिर जो है वो सारी जो है इसके अंदर वो टूट जाएगी। तो बस दही है वैसे तो टूटेगी नहीं। A few moments later. और जी यहाँ पे तकरीबन जो है ना फिश रेडी हो चुकी थी, पानी जो है इसका थोड़ा सा रहता था, बाकी सारा हम लोगों ने ड्राई कर दिया था। जो दही और उसके अंदर हमने लस्सी बना के डाली थी ना उसका भी पानी था जाहिर है, और थोड़ी सी उसके ऊपर हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी हमने पहले डाली थी। और ये देखें जी अब ये जस्ट जो है ना मसाला ही है, पानी थोड़ा थोड़ा सा रह गया और ऑयल है इतना सारा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अगर इस स्टेज पर जो है ना थोड़े से पीसेस जैसे बड़े बड़े हैं ना उनको आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं ताकि उनके अंदर भी मसाला अंदर तक चला जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोगों ने सूखा धनिया डाल दिया था और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसको कट करके अच्छा सा हमने ये डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पे जो है ना स्किन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है ये फुली डन हो चुकी थी और फ्लेम भी जो है वो लो था, तो इस स्टेज पे सारी जो है स्किन रिमूव कर दे जिनको अच्छी नहीं लगती, तो मम्मा भी सारी निकाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद क्योंकि अब ज़्यादा तो हमने इसको पकाना नहीं है जो ये टूट जाएगी, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है बनाना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। यहाँ हम लोग जा रहे थे जी, मेरी फ्रेंड की शादी थी यानी बारात थी, जिसके दो व्लॉग्स जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। और आप लोग बताइएगा कि शादियों का सीज़न चल रहा है तो आप लोगों के भी कोई शादियाँ आई हैं कि नहीं आई हैं। मैं तो अब तक दो शादियाँ अटेंड कर चुकी हूँ और एक और आने वाली है, लेकिन व्लॉग तो है ना मैंने अभी तक आपसे मतलब एक ही शादी के शेयर किए हैं, आगे वो भी करूँगी अगर, क्योंकि मैंने बनाए तो हुए हैं लेकिन उसमें ज़ाहिर है सब लोग आ रहे होते हैं ना, तो वो एडिट करते करते बहुत ही कुछ छोटा सा व्लॉग बन जाता है, इसलिए मैं शेयर ही नहीं कर सकती फिर। और बस यहाँ हम लोग पहुँचने वाले थे, हॉल भी आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह का था। ये देखें जी ये था जी ताज महल रॉयल मार्की, और ये है जी दुबई चौक पे, तो सारा अंदर से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस टाइप का था ये। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त था ये, यहाँ से एंट्रेंस थी लेडीज़ की, जो मेन एंट्रेंस थी वहाँ जेंट्स की तरफ से थी, तो ये देखें जी बहुत अच्छा था, पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छी आ रही थी, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त था A1, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ आप लोगों को ज़रूर थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ क्या चीज़ सही थी क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे। तो ये देखें इस तरह से था ये। और इन लोगों ने जो स्टेज बनाया हुआ था ना वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, मैंने सोचा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन स्टेज एक मिनट के लिए भी खाली नहीं हुआ कि मैं जो है ना छोटा सा क्लिप ही बना लेती आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। खाना भी यहाँ पे लग चुका था, खाना भी बहुत ज़बरदस्त था, क्रॉकरी भी बहुत अच्छी थी, लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी, डिकोर भी बहुत अच्छा था इनका, यानी ओवरऑल जो था वो हॉल बहुत ज़बरदस्त था। खाना वगैरह खा के उसके बाद जो है ना मैं जाते हुए भी आप लोगों को दिखा दूंगी, जो उनकी मेन एंट्रेंस है ना मैं वही ढूंढ रही थी कि वो किस तरफ से है, जो ब्राइड का रूम था सारा कुछ जो होता है ना वो भी अभी आप लोगों को जाते हुए दिखा देती। और जिस तरह का नाम था उसी तरह की सारी जो है वो रॉयल लुक भी आ रही थी। देखें अभी जो मेन एंट्रेंस मैं आपको दिखाऊंगी ना वो भी काफ़ी अच्छी थी। ये देखें जी यहाँ से जो था ये मेन एंट्रेंस थी, यहाँ से जेंट्स को आई थिंक ले जाया गया था। ये देखें जी यहाँ पे जो है ना ये वेटिंग रूम बना हुआ था जहाँ पर हमारी ब्राइड थी जिसको हमने मिल लिया था। और बस ये जी सारा मैंने आप लोगों को दिखा दूँ, सामने जो है वो देख लें जेंट्स का हॉल है। और बस जी अब हम लोग जाते हैं वापस। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिश की जो रेसिपी है बहुत ईजी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे फीडबैक देना है लाजमी। वीडियो को
जी लाइक करना मत भूलिएगा, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जल्द आऊंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।